ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से कोविड-19 की दवा खोज लेने के दावों को लेकर मीडिया में छपी रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है और साफ तौर पर कहा है कि कथित वैज्ञानिक अध्ययन के दावों की सच्चाई और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। मगर पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताते हुए यह दावा किया है कि उनकी कंपनी ने आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी दे दी है। बालकृष्ण ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली है। क्लिनिकल ट्रायल के जितने भी तय मानक हैं उन्हें 100% पूरा किया गया है। पतंजलि ग्रुप ने मंगलवार सुबह कोरोनिल टैबलेट और श्वासारी वटी नाम की दो दवाएं लॉन्च की, जिनके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज है। पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि कोविड-19 की दवाओं की इस किट को 2 स्तर के ट्रायल के बाद तैयार किया गया है। पहले क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई थी और फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया जा चुका है। दवा लॉन्च होने के कुछ ही घंटे बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कहा कि वो जल्द से जल्द उस दवा का नाम और उसके घटक बताएं जिसका दावा कोविड-19 का उपचार करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पतंजलि संस्थान नमूने का आकार, स्थान, अस्पताल जहां अध्ययन किया गया और आचार समिति की मंजूरी के बारे में विस्तृत जानकारी दे। मंत्रालय के बयान के मुताबिक पतंजलि को इस बारे में सूचित किया गया है कि दवाओं के इस तरह के विज्ञापन पर रोक है। इस तरह के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 के तहत आते हैं। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों में भी इस बारे में साफ तौर पर कहा गया है और ये आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन पर भी लागू होता है। मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि आयुष मंत्रालय की देखरेख में कोविड-19 को लेकर शोध अध्ययन कैसे किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने साफ कहा है कि जब तक इन तमाम मामलों की जांच नहीं हो जाती, इस दवा से जुड़े दावों के बारे में विज्ञापनों पर रोक लगी रहेगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा के लाइसेंस की कॉपी मांगी है और प्रोडक्ट के मंजूर किए जाने का ब्यौरा भी मांगा है। भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग और इस बीमारी के उपचार की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR को भी इस दवा की कोई जानकारी नहीं है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने BBC से बातचीत में पतंजलि द्वारा विकसित इन दवाओं के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या कोरोनिल नाम की इस दवा को कोविड-19 के मरीजों के इलाज में कारगर कहना सही होगा। इसके जवाब में प्रोफेसर भार्गव ने कहा कि मैं ऐसी किसी दवा पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर ICMR इस दवा से संबंधित किसी भी प्रयास में शामिल नहीं रहा। भारत सरकार के केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने BBC को बताया कि सामान्य परिस्थितियों में एक दवा को विकसित करने, उसके क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने और उसकी मार्केटिंग शुरू करने में कम से कम 3 साल का समय लगता है। असामान्य परिस्थितियों में इसकी गति बढ़ाई जा सकती है, फिर भी एक नई दवा को बाजार में आने में 10 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। लेकिन पतंजलि ने कुछ ही हफ्तों में कोरोनिल नाम की इस दवा को तैयार कर बाजार में लाने का कारनामा किया है। CDSCO के इस अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा है कि उनके विभाग को पतंजलि की इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल की कोई सूचना नहीं थी। दवा लॉन्च करने के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के CEO आचार्य बालकृष्ण ने BBC से बातचीत में यह दावा किया था कि उनके संस्थान ने एक थर्ड पार्टी की मदद से क्लिनिकल ट्रायल किए हैं जिनमें पाया गया है कि कोरोनिल का सेवन करने से 100% कोविड-19 के मरीजों को राहत मिली। यहाँ ये थर्ड पार्टी जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी NIMS है, जो एक निजी विश्वविद्यालय का हिस्सा है और पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय है। जयपुर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ के अनुसार यह एक स्व वित्त पोषित संस्थान है और यहाँ विद्यार्थी न केवल चिकित्सा विज्ञान बल्कि इंजीनियरिंग, दंत विज्ञान, प्रबंधन और तकनीकी विषयों में भी पढ़ाई के लिए दाखिला लेते हैं। जयपुर के बाहरी क्षेत्र में जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर NIMS का बड़ा कैंपस है और विश्वविद्यालय के अनुसार NIMS को सरकार से मान्यता प्राप्त है। दवा लॉन्च के समय NIMS के चांसलर डॉक्टर BS तोमर स्वामी रामदेव के बगल में ही बैठे थे।
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का कहना है कि डॉक्टर बी एस तोमर के निर्देशन में ही इस दवा के शोध का काम पूरा हुआ है। निम्स विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी विनोद सोनी ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान और निम्स विश्वविद्यालय के बीच बीते 2 सालों से करार है। इसके तहत शोध कार्य होते रहते हैं। जयपुर में कोविड 19 के जो मरीज सामने आए हैं उनमें से कुछ को प्रशासन के कहने पर निम्स में भर्ती किया गया था। उनमें से करीब 100 मरीजों पर हमने ट्रायल किया जो करीब 21 दिन चला। हम उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं देते थे, अधिकांश लोग ठीक हुए। हम मानते हैं कि यह हमारी दवाओं का असर है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकारी अस्पतालों में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोग अपनी इम्यूनिटी से खुद ही ठीक हो रहे हैं। इस पर विनोद सोनी ने कहा कि हमारा मत है कि ये लोग आयुर्वेदिक औषधियों से ठीक हुए हैं और यही हमारे दावे का आधार है। भारत में होम्योपैथी और यूनानी पद्धति में विश्वास रखने वाले भी यह दावा करते हैं कि उनकी पद्धति में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कोविड 19 के असर को कम कर सकती हैं, पर वे अब तक उनकी 100% सफलता की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आचार्य बालकृष्ण दावा करते हैं कि आयुर्वेद से कोरोना वायरस महामारी का पूर्ण